ये बाइक जो है ना, ये बाइक सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बाइक है। मीन्स 45 प्लस एवरेज मिलता है। यहाँ पे KTM इज हायर कॉस्टिंग, फ्यूल इकोनॉमी कम है, सेम एज बजाज। यामा मतलब एक ब्रांड है, एक यूनिकनेस है। ये जो बाइक है ना, ये बाइक तुम रोज निकाल के घूम सकते हो। हाय गाइस, तो आज मेरा चैनल मैं लॉन्च कर रहा हूँ ओनली बाइक्स करके, और ये फर्स्ट वीडियो है। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ MT15 वर्जन 2, एंड हमारे पास है इसके ओनर। हाय सैम, कैसे हो? हाय, तो ये बाइक के बारे में आप क्या बोलोगे अभी? ये बाइक जो है ना, ये बाइक सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बाइक है। मीन्स इन ऑल सेंस, लुक वाइज, ओके, इकोनॉमी वाइज, यूसेज वाइज, मतलब ये जो बाइक है ना, ये बाइक तुम रोज निकाल के घूम सकते हो। ओके, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिकल है, बिकॉज एट द मोमेंट ऑफ टाइम इतने अच्छे लुक के साथ तुमको इतना 45 प्लस एवरेज मिलता है। 45 प्लस? यस, आज के डेट पे 45 प्लस एवरेज, प्लस इतना गुड लुक्स, प्लस पावर, और क्या चाहिए तुमको इस बाइक? सही बात है। तो अभी हम बाइक से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है इस बाइक को लेके, कि ये बाइक आपने मतलब कितने में ली? ये बाइक अप्रोक्स है ना, मेरे को अभी मैंने लोन किया, सो मुझे 2,20,000 को गिरी। ओके, बट वो ऐसे ऑन रोड 2,03,000 को है। ओके, सिंगल चैनल ABS लिया? यस यस यस, डेफिनेटली इट हैज अ सिंगल चैनल ABS, बट अभी का जो मॉडल है, अभी का जो लेटेस्ट मॉडल है, उसमें डुअल चैनल ABS है। ओके, वर्जन 3 में? यस, वर्जन 3 में। ये V2 है, वो V3 है, बट दोनों में पावर डिस्प्ले इतना फिगर कुछ स्पेसिफिकेशन सेम है, ऑलमोस्ट सेम, जस्ट कैसा एक सेंसर बढ़ गया और पीछे और कंट्रोल आ गया। अच्छा, इसमें सिंगल चैनल ABS में भी काफी बेहतर कंट्रोल मिलता है बारिश में, एंड ऑल स्केट नहीं होता, बट एट द मोमेंट ऑफ टाइम थोड़ा लैग वहां पे होता है, जहां पे इसको सिर्फ पीछे नॉर्मल ब्रेकिंग है, ABS नहीं है। सो इट इज अ नेगेटिव पॉइंट अबाउट इट, बट इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी आते हैं प्लस पॉइंट इसमें यही है कि ओवर एंड ऑल ना, आप जब सिंगल चैनल ABS रहता था, उसके ब्रेकिंग और अप्रोप्रिएट होती है, थोड़ा अच्छा फील आता है जब पीछे का ब्रेक अप्लाई करोगे तब। तो अभी आप R15 ले सकते थे, आप ड्यूक ले सकते थे 8,000 और बढ़ा के, या फिर आप RS 200 ले सकते थे जो पल्सर की तरफ से आती, तो आपने MT15 क्यों चुना? देखो भाई, सबसे पहली बात आती है, एक मिनट जरा कैमरा यहाँ पे लाओ, यहाँ पे ये जो लोगो है यामा, यामा मतलब एक ब्रांड है, एक यूनिकनेस है, ओके, रॉसी का ये ब्रांड है, ओके, ओवर एंड ऑल, और ये ब्रांड के साथ में ना एक और प्लस पॉइंट क्या है कि तुमको रिलायबिलिटी मिलती है, द रेसिंग ब्लू, ओके, और इसमें कैसा है, मैं जहाँ यहाँ पे आपने बोले R15 भी ले सकता था, बट प्रोबेबली उसका इंजन सेम रहने दो या कुछ भी सेम रहने दो, बट उसका पोस्चर जो है, और इसका पोस्चर, इसका पोस्चर बहुत आरामदायक है। आप 150 किलोमीटर यू जा सकते हो, आपको विदाउट फील कुछ फील भी नहीं होगा, और प्लस सेम इंजन है ना। और जहाँ तक रही बात KTM और बजाज की, देखो इसमें कैसा है, आपको ओवर एंड ऑल जो भी कुछ है, मतलब जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसमें चीपर है, बराबर, ऑल पार्ट्स अवेलेबल है ऑल इंडिया, वहाँ पे KTM इज हायर कॉस्टिंग, फ्यूल इकोनॉमी कम है, सेम एज बजाज, दोनों में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, बट दोनों एक इक्वल रेशियो पे आते हैं। और इसका कैसा, एक मिनिमम अपना 1,500 में आपका ओवर एंड ऑल सर्विस हो जाता है इसमें। यस, डेफिनेटली। तो सर्विस कॉल लाइक मेंटेनेंस में आता है कि आप कैसा सर्विस की बात कर? मैं ओवरऑल सर्विस की बोल रहा हूँ, 1,500 में ओवरऑल सर्विस हो जाती है। ओके, सो इसमें कैसा है, आपको अगर एडिशनली अगर कुछ करवाना हो तो ऊपर के 500,000 रुपए पकड़ लो, डेफिनेटली। अदरवाइज यस यस, एक नॉर्मल जो कॉस्टिंग है वो 1,500-1,700 तक मिनिमम आ जाती है। तो अभी हमने प्राइस की बात कर ली, इन्होंने MT15 क्यों चुना, तो अब मैं इनको पूछना चाहूंगा कि यार अभी इसका रोड प्रेजेंस कैसा, आपको कैसा लगता है इसका रोड प्रेजेंस है ना? जो जो MT के ओनर्स रहेंगे, उनको भी पता रहेगा इसके रोड प्रेजेंस के बारे में, मतलब पब्लिक मुड़ के देखती है, मुड़ मतलब बहुत ही अच्छा लुक से। यस, डेफिनेटली, अभी अगर सिग्नल पे खड़े रहेंगे तो 2-3 लोग देखते पापा कौन सी गाड़ी है ये, और स्पेसिफिक अगर ये ब्लू कलर है, ये टोटली अलग से आउटशाइन करता है, बिकॉज ये कम है ज्यादा इसके, मतलब कलर लॉन्च, मतलब ज्यादा ब्लैक कलर में। यस यस, ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक ब्लैक और कैमिलियन ब्लू, जो ग्रे एंड ब्लू है, ऑरेंज एंड व्हाइट है। ओके, ये दो, ये तीन कलर्स मेन प्रोबेबली ज्यादा कॉमनली दिखते हैं, बट ज्यादा ब्लू बाइक नहीं दिखेगी, मतलब ये कलर आपको बहुत अच्छा। यस, ये स्पेशल एडिशन उस टाइम निकाला था यामा ने, तब मैंने लिया था। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला है कि ये जो लिया इन्होंने स्पेशल एडिशन है,
तो हमारी पहली वीडियो में स्पेशल एडिशन हमारे पास है, तो लाइक तो बनता ही है। तो अभी हम बात करते हैं कि यार अभी ये गाड़ी प्रैक्टिकल है कि नहीं है। अब जैसे कि हम बहुत सारी गाड़ी ले लेते हैं बट बाद में हमें इतना खर्चा पड़ता है उस पर कि हम बोलते यार कि यार गाड़ी निकालने से पहले हम सोचते हैं कि यार इतना खर्चा हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली ये बाइक कैसी है और इसका सिटी राइड और हाईवे पे कैसा परफॉर्मेंस करती है? देखो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करने जाऊँ ना तो ये जो गाड़ी है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आज के टाइम पे अगर मैं एक ऐसा फॉरेन एग्जांपल बोलूँ, स्प्लेंडर जो लेते हैं 70-80 किलोमीटर चलाते, ओके अगर वही सेम फील चाहिए बट लुक्स अच्छा चाहिए, पावर अच्छा चाहिए, ओके शिफ्ट टुवर्ड्स यामा, मतलब ये एवरेज ज्यादा देता है। हां 45 प्लस एवरेज मिलता है। और जहां पे आप मतलब इसको कंपेयर करो प्लस इकोनॉमी में कि हाई स्पीड, इसका एमटी जो है नाम एमटी ये मॉन्स्टर टॉर्क है, मतलब कैसा 60 के अंदर वाले रेंज में ना इट्स जस्ट इनिशियल रेंज, इनिशियल किलर है ये। ओके ये तो ड्यूक को भी पीछे छोड़ देगा। यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली 60 के अंदर ये सब चीज को पीछे छोड़ देगा, सब ऑलमोस्ट, क्योंकि ड्यूक 200 सीसी की अगर कोई अच्छी बाइक है तो आई थिंक जो ड्यूक 200 से कोई अच्छी बाइक है नहीं 200 सीसी में। XMR का भी रिव्यू करेंगे तो पता चलेगा कैसी है वो। तो ये बात तो इन्होंने एकदम सही कही। तो मतलब आपको नॉर्मली ये 45 प्लस दे देती है? यस यस नॉर्मली मैं मुझे अभी सिटी में एक 40 भी पकड़ लो 40 सिटी में और लॉन्ग रन गया तो 45 प्लस मिलता ही है डेफिनेटली। अभी मेरा फॉर एग्जांपल अभी मैं रहता हूँ अभी पनवेल में, अगर यहाँ से मुझे मुंबई जाना होगा परेल तलक तब भी मुझे इसमें 200 के पेट्रोल में मैं रिटर्न आ जाते हैं। 200 के पेट्रोल में आप रिटर्न आ जाते हैं। ओके तो इसका मतलब आप पोस्चर बताइए कि आपको पोस्चर कैसा लगा? इसका पोस्चर आरामदायक पोस्चर है, आपको एक्टिव रखता है, स्ट्रेट पोस्चर है और पैडल्स झुकना नहीं पड़ता। यस पैडल्स लिटिल बिट एग्रेसिव है, ज्यादा भी नहीं है, थोड़े से एग्रेसिव है पैडल्स। यस मतलब तुम्हारा कैसा गाड़ी के ऊपर कंट्रोल भी रहता है। इसका हैंडलिंग सबसे बेहतरीन है, इसका वन साइड वजन नहीं जाता गाड़ी का, काफी मतलब बेहतरीन गाड़ी यामा ने बनाई है। तो इसका सिटी और हाईवे पे आप कैसा मतलब परफॉर्मेंस दे रही है? अभी अच्छा अभी सिटी में देखो, सिटी में तो एकदम फर्स्ट क्लास सिटी के लिए गाड़ी बनाई है, मतलब ब्रेकिंग वेकिंग इसका यस डेफिनेटली मस्त है, एकदम ब्रेकिंग वगैरह सब मस्त है। बट हाईवे पे भी जब जाती है तब पावर की कमी महसूस नहीं होने देती है गाड़ी। ओके इसको रेव दो, ये ओपन होगी जाएगी खुलेगी। यस यस डेफिनेटली धीरे धीरे नहीं बहुत फास्टली। अच्छा फिर इस गाड़ी का लाइक वाइब्रेशन है अबव 100? यस वाइब्रेशन डेफिनेटली ऑन द टॉप एंड देयर आर वाइब्रेशंस। की गाड़ी जैसा वाइब्रेट करती है पूरा शीशा उसका वाइब्रेट करता है, वैसा वाइब्रेट करती कैसा? नहीं 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 उतना नहीं होता इसमें। ये यामा है, यामा रिफाइनमेंट के लिए जाना जाता है। ओके सो इसमें उतना वाइब्रेशंस नहीं है, हल्के से है जब आप काफी टॉप एंड पे पहुंचते हो, जब इंजन पूरा रेव आउट हो जाता है 130 प्लस। यस यस 130 पे तो थोड़ा ज्यादा वाइब्रेशन। यस डेफिनेटली मतलब 10000 आरपीएम मतलब पहुंचा ना, मतलब ऑलमोस्ट आरपीएम लॉक हो गया, इट्स जस्ट लाइक मोर वाइब्रेशंस, थोड़ा वाइब्रेशन ज्यादा। हां डेफिनेटली। और हैंडलिंग में फिर आपको दिक्कत आती है फिर उसमें? नहीं नहीं हैंडलिंग में स्टेबिलिटी है, बट कैसा ये नेकेड बाइक है तो ये कैसा हाईवे पे एक लॉन्ग रन के लिए ना तो इसमें थोड़ा वॉबल्स आते हैं। ओके और बल्कि जहां पे फेयर्ड बाइक रहते हैं उनमें वॉबल्स नहीं आते। बिल्ड क्वालिटी कैसा है इसका? बिल्ड क्वालिटी नॉट दैट ग्रेट, मतलब उतना ग्रेट नहीं है, जैसे कि अभी काफी यूसेज के बाद में किल स्विच और ये जो स्विचेस है वो थोड़े हम दिखा सकते वो थोड़े कैमरे में थोड़ा यहाँ पे आके जरा स्विचेस दिखा दो, जो ये स्विचेस है वो थोड़े जरा जाम हो जाते हैं। ओके और इसके साथ में बाकी सब सारी चीजें तो ऑल ओके, बट थोड़ा गुड फिनिश एंड फीडबैक देना चाहिए था, अच्छा थोड़ा और प्रोवाइड किया जा सकता है। या डेफिनेटली हां इस प्राइस पॉइंट पे 2,20,000 चार्ज करते हैं। यस 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 डेफिनेटली अभी लोन करने के बाद वो 2,20,000 जाती है, 2,20,000 और ऊपर चली जाएगी। यस डेफिनेटली और इसमें अभी बाकी का क्या है, बाकी का सब बढ़िया है, बस बट इसका एक मेन यूएसपी है कि ओवर एंड ऑल है ना इसका जो पार्ट्स मिलता है वो पार्ट्स काफी सस्ते रहते हैं। पार्ट्स मतलब इसके यस ड्यूक से सस्ते मिलते हैं? यस ड्यूक से डेफिनेटली सस्ते। फॉर एग्जांपल दिस हैंडल बार ये 400 रुपए का, 400 रुपए यस, और ड्यूक का 1,400 रुपए का, 1,400 और 400 में बहुत फर्क होता है। तो और क्या इसमें मतलब आपको? और बाकी कुछ नहीं है, गाड़ी सबसे बढ़िया गाड़ी है बिकॉज अगर एक स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए ये गाड़ी को तो ये काफी बेहतरीन गाड़ी है। इसमें आपको ओवरऑल कम्फर्ट भी मिलता है, लुक्स भी मिलता है, लॉन्ग टूर भी जा सकते हो, इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल तो मैं बताना चाहूंगा कि गाड़ी लाइक इतना 2,03,000 पे कॉस्ट करती है, बट ये गाड़ी फाइबर की बनी है एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक एक बार इनका हो गया था एक्सीडेंट, सो उसमें ये गाड़ी पे कितना डैमेज आया और कितना आपने मतलब खर्चा किया इस गाड़ी पे, ये पॉइंट कोई कवर नहीं करता लाइक हम कर रहे हैं। मेरा जब फर्स्ट जो मेजर एक्सीडेंट हुआ था तब के टाइम पे गाड़ी मतलब इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गाड़ी लॉस हो गई थी,
ओके हैंडल क्या क्या पार्ट्स आप टूट गए थे? हैंडल चला गया था, सेंसर स्टैंड सेंसर चला गया था, मोस्ट ऑफ द पैनल चले गए थे। तो ये ओवरऑल सब रिकवरी करने में ओवरऑल मुझे समथिंग 17-18 हज़ार रुपये लगे एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। और बाय गॉड ग्रेस वगैरह सब कुछ बढ़िया से हो गया। सही सलामत। और उसके बाद में भी मुझे शोरूम वालों ने भी आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी बेहतरीन दी, मेरी गाड़ी बन के रेडी होके मेरे घर पे भी आ गई। सो इट वॉज अ ओवरऑल गुड थिंग। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द बाइक आई थिंक जो ड्यूक में था शायद मेटल का रहता है, ये नहीं वो उसमें फाइबर रहता है ड्यूक में। ओके सो अगर आप तेज चला रहे हो तो ध्यान से चलाओ क्योंकि पार्ट्स लूज होने के यार गाड़ी डैमेज होने के खतरा फिर रहता है। इसका हेडलाइट के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? इसका हेडलाइट का क्या सीन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जस्ट सेकंड मुझे गाड़ी चालू करना पड़ेगा। ओके अभी इसका ये हेडलाइट है, अभी ये डिपर में। ओके आपको बेसिकली अभी समझ रहा रहेगा कि ये लाइट नीचे जा रही है और उसके बाद में जब हम ऊपर करते हैं तो ये डायरेक्टली इसका जो पोजिशनिंग है वो डायरेक्टली टूवर्ड्स झाड़ को जाता है, मतलब वो रोड पर नहीं रहता। ओके सो इसमें ये एक बेसिक प्रॉब्लम है एक लिटिल बिट, अगर उस टाइम पे अगर अच्छे से ट्यूनिंग कर सकते थे तो अच्छा हो जाता था। तो अभी थोड़ा एग्जॉस्ट आप सुना सकते हैं हम हमारे व्यूअर्स को? यस डेफिनेटली क्यों नहीं। सो गाइस ये था इसका एग्जॉस्ट साउंड। आई थिंक सो ये 200 सीसी में सबसे बेस्ट इसका ये एग्जॉस्ट साउंड है। 155 सीसी सॉरी वैसा लगता है 200 सीसी की गाड़ी है बट ये 155 सीसी की गाड़ी है, यामा देती है। एंड आपको कुछ अपने हिसाब से ऐड करना है कि ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए या क्यों नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप अभी इसी वक्त गाड़ी लेने जाते हो तो क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखो सबके चॉइस के ऊपर रहता है गाड़ी लेना या ना लेना, पर मैं डेफिनेटली अगर प्रैक्टिकलिटी से बात करूँ तो ये गाड़ी डेफिनेटली लेना चाहिए, वर्थ इट है ये गाड़ी, ओके लेना। और इसके साथ में अगर आपका आपके पास पैसा वगैरह का कमी हो तब भी ये गाड़ी तुम रोज चला सकते हो, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी, बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है, जैसे स्प्लेंडर कैसा पालते हो वैसे इसमें 100 रुपए सिर्फ ज्यादा डालने का बस। तो गाइज हम लोग ने हाइट नहीं दिखाया था कि MT15 पे किसकी हाइट कैसे मैच करती है, तो पहले हमारे पास ओनर ही है। और आपकी हाइट कितनी है सर? मेरी 5'3" है। इनकी 5'3" है, तो 5'3" के अगर कोई ओनर ओन करता है तो ये गाड़ी उन पे कैसे दिखेगी? तो पैर आपका पैर वैर पहुंचता है कि मतलब क्योंकि 810 mm की सीट है इस पे, इतना पहुंच जाता है, इतना तो कंट्रोलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आती ना? बैक करने के लिए गाड़ी आगे करने के लिए। तो गाइज इनका पैर मतलब पहुंच जाता है और मतलब इनको कोई भी दिक्कत नहीं आती कंट्रोल करने के लिए। और हमारे पास एक और एक है, हमारे कितना हाइट आपका? 5758। और अगर 5758 का अगर कोई बैठता है तो गाइज उस पर गाड़ी ऐसी दिखेगी। एंड आपको मतलब कुछ दिक्कत आ रहा है? पैर आराम से पहुंच जा रहे गाइज, और गाड़ी छोटी लग रही है कि परफेक्ट लग रही है ना, मतलब पिलियन भी कंफर्टेबल बैठ जाएगा, तो गाड़ी आगे ले सकते हैं और पीछे भी ले सकते हैं। और इनका पैर आराम से पहुंच गया और गाड़ी इन पे ऐसी दिखेगी जो 5758 के हैं। एंड अभी गाइज मैं अपना कर देता हूँ, एंड मेरे पीछे मैंने बैग भी लिया था कि अगर कोई पिलियन बैठे तो वो दिखेगा। एंड तो गाइज जो मेरी हाइट है 6'2" गाइज, तो 6'2" का अगर कोई बंदा ओन करता है गाड़ी तो उस पर ऐसी दिखेगी। और आई थिंक सो एक 6'2" के लिए गाड़ी बहुत छोटी है, एंड पैर आराम से पहुंच जाएंगे, एंड ये गाड़ी आगे पीछे भी जा सकती है, बट गाड़ी एक्चुअली बहुत छोटी है फॉर 6'2" का है। सो अगर आप 6'2" के हैं तो आई सजेस्ट कि आप कोई दूसरी गाड़ी लें। एंड तो गाइज आज का वीडियो यही था हमारा, एंड हमारे साथ थे आश्रय, तो थैंक्स फॉर रिव्यूइंग फॉर आवर व्यूअर्स। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, आपके चैनल के थ्रू मुझे भी मौका मिला इसका रिव्यू करने का, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन पनवेल। सो गाइज आज के लिए इतना ही गाइज, एक बार मैं लास्ट टाइम अपने व्यूअर्स को गाड़ी दिखाना चाहता हूँ, एक वॉक अराउंड दे देता हूँ कि गाड़ी कैसी है। तो ये है गाइज MT15 version 2 सिंगल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी है गाइज। एंड अभी आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आई थिंक सो version 3 आ चुका है जिसमें डुअल चैनल ABS आता है। एंड ओनर ने कहा है कि सिंगल चैनल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, तो गाइज कोई इशू नहीं, आप ले सकते हैं गाड़ी। सो गाइज आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू।